हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 दिया था मैं, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं ये अध्याय को खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 मस्त था एकदम। क्या क्या हो रहा है पूरा कंसेप्ट बता दिया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को मैं होमवर्क दिया। यह आप लोग को अगर बनता है तो गुड, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। क्योंकि इसमें आप लोग को ना सोचने में मजबूर हो गया आप, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप लोग को ये नहीं बना तो आप लोग बताइएगा, आप लोग ये लिखिएगा कमेंट में कि हमने सच में प्रैक्टिस किया और ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना के दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, पर बनना चाहिए। एक हिंट दे देता हूँ, एक हिंट मैं दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग सबसे पहले यहाँ से आप लोग क्या करना, मैं ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। इसमें ए का गुणा करना, सी वन में ए का पूरा गुणा करना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब C2 में ना आप लोग B का गुणा करना, तो ये B आ जाएगा, ये B हो जाएगा यहाँ और यहाँ पे B। और C3 में आप लोग C का गुणा करना, तो ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। और जब आप लोग गुणा करते हो तो यहाँ पे भाग भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर गुणा कर रहे हो किसी चीज़ का तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा संतुलित रखने के लिए। देखो जैसे 2 है, अगर मैं इसमें गुणा करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2 का अगर गुणा कर रहा हूँ तो 2 का भाग भी करूँगा, तो यही कट के देखो यही मिलेगा। तो जब कभी गुणा कर रहे हो तो बाहर में भाग करना, जब कभी अंदर भाग कर रहे हो तो बाहर में गुणा करना। तो मैं इसमें ए का गुणा किया तो ए लिख दूंगा 1/2 में, बी का गुणा किया तो ये बी लिख दूंगा 1/2 में, सी का गुणा किया तो सी लिख दूंगा 1/2 में। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इस R1 से A कॉमन निकालना है, R2 से B कॉमन निकालना है, R3 से C कॉमन निकालना है। तो A कॉमन निकाल लेना, तो अगले स्टेप में यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ से B कॉमन निकाल लेना और फिर C कॉमन निकाल लेना। ये करते ही आप लोग से क्वेश्चन बनने लगेगा, तो होमवर्क दिया और इसको पहले करना। क्या कर रहा मैं, गुणा करा, अगर अंदर गुणा कर रहा हूँ तो बाहर भाग करना पड़ेगा। ए बी सी का गुणा किया तो इधर ए बी सी का भाग किया। अब यहाँ से ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन निकाल, ये और ये कट जाएगा। तो देखना क्या आ रहा है, उसके बाद ना जोड़ना सबको, उसके बाद जोड़ना घटाना जो करना है करना, देखना आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिया, क्वेश्चन नंबर 9 इतना बराबर हम लोग को 0 लाना है। तो देख के क्या लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में मैं बताया हूँ, जब कभी भी भयंकर डेटा रहता है ना तो हम लोग का ना ध्यान से देखो, C1 हमेशा हेल्प करता है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूँ तो क्या होगा, क्या होने वाला है, देखो इतना प्लस इतना प्लस इतना कर दूंगा तो 5 3 8 और 1 9 प्लस x आएगा। इन लोग को भी जोड़ दूंगा, 5 2 7 8 9 9 प्लस एक्स आएगा। यहाँ पर भी देखो, 4 3 7 8 9 9 प्लस एक्स आएगा, फिर 9 प्लस एक्स को कॉमन निकाल लूँगा। तो यहाँ मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 किया तो क्या आने वाला है, सारणी ए क्या आने वाला है, सिर्फ C1 मेरा चेंज होगा। तो मैं C1 लिखा, ये C1, अच्छा ये C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3, इसमें भी वही C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, इसमें भी C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में बस मैं छेड़खाड़ कर रहा हूँ तो C1 को बस चेंज करूँगा, C2 एज इट इज़ लिखो, 3x + 2 3, यहाँ पे 5x + 4, ये ठीक है। निम्न समीकरण को अच्छा हल करना है, जब कभी भी समीकरण आया तो यहाँ पे जो ना चर है उसका ना हम लोग को मान निकालना है। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, इसको सिद्ध नहीं करना है। अगर लिखा रहता कि सिद्ध करो तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करते, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, कुछ भी नहीं दिया, इतना बराबर इतना दिया, तो भी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम लोग को करना है। लेकिन जब निम्न सारणिक को हल करो दे दिया और बराबर 0 कर दिया है, सारणी को हल करो दे दिया या निम्न का मान ज्ञात करो दे दिया, तो हम लोग को x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, क्लियर है। तो बराबर 0 लेते चलूँगा। अब इसको जोड़ा तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको जोड़ दिया तो ये क्या आ जाएगा, 5 3 8 1 9 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, यहाँ पर भी 9 प्लस एक्स आएगा, जोड़ के देख लो,
9 प्लस एक्स, यहाँ पे भी 9 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यही रहेगा, इसको तो छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, 3x प्लस 2 और ये हो जाएगा 3, और इसको भी ऐसे लिख दो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या करना, कॉमन लिख कर रहे 9 प्लस एक्स तो कॉमन लिख कर रहे ना सबसे, तो 9 प्लस एक्स को मैं क्या किया, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि इसको तो मैं ले लिया तो एक ही बचेगा, इसको ले लिया मैं एक बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा। अब ये क्या है, 3x प्लस 2 और ये 3, ये 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब कुछ सारणिक लग रहा है, देखो 0 आ रहा है, हाँ सर 0 आ रहा है, बताऊँ सर R1 में ना अपना एक काम करो, R1 माइनस R3 कर दो। देखो सर, तो ये और ये 0 हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये और ये 0 हो जाएगा। और ना सर एक और कर दो आप, R2 में ना R2 माइनस R3 कर दो, ठीक है। तो हो के क्या आने वाला है, इसको हम लोग देखते हैं, हो के क्या आने वाला है। तो आइए आप लोग पूरा एक एक स्टेप करते जाना ना, ऐसा नहीं कि आप लोग यार हवा में ले रहे हो, 12वीं में आ गए, वहाँ अगले साल कॉलेज में भी आएगा, BSc करोगे तो भी ये पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करोगे तो भी ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो सारणी ए क्या आया भाई, ए 9 प्लस एक्स है ना, ये 9 है, 9 प्लस एक्स, ओके। तो देखो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, ये क्या है 5 माइनस इतना, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या है x प्लस 4, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर जाएगा, तो 5 माइनस x माइनस 4, तो 5 में 4 गया 1 और ये माइनस एक्स, 1 माइनस x आया, ये 1 माइनस x, क्लियर है क्या, क्लियर। अब R2 माइनस R3 है, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। अब ये x प्लस 2 माइनस 3 बताऊँ क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, देखो x प्लस 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 क्या होगा, -1 होगा, तो x माइनस 1 बचेगा। 5 माइनस इतना भी तो करे थे ना, 5 माइनस x प्लस 4, तो क्या आया था 1 माइनस x, यहाँ पे 1 माइनस x, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अभी तो करे थे ना भाई 5 माइनस x प्लस 4, अभी तो करे थे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब R3 को तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो ये लिख दो 1 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं किसको टारगेट कर रहा है, इसको मैं टारगेट कर रहा है, यहाँ से खोल दो, यहाँ से खोलना है, सिंपल है भाई। तो ये क्या आ गया 9 प्लस x। अब देखो भाई, अब यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ, तो ये पहले मैं 0 लूँगा, अब इसके सामने वाला नहीं लूँगा, ये आप उतारोगे यहाँ पे, ये आप उतारोगे, क्योंकि ये तो 0 ही आने वाला है करके मैं नहीं उतार रहा हूँ। अब इसको लेना है तो माइनस करूँगा, 0 उतारूँगा। अब इसके सामने वाला और इसके सामने वाला नहीं उतारूँगा, यहाँ पे जो आया वो लिखूँगा, आप उतारोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, क्योंकि ये 0 ही आएगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब इसको लेने से पहले मैं प्लस डालता हूँ, ये 1 माइनस x, हाँ यहाँ पे मैं उतारूंगा, ये और ये नहीं लूँगा, तो 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0 ये नहीं लिया पंक्ति, और ये सॉरी ये स्तंभ और ये पंक्ति नहीं लिया, तो 0 × 3 0 हो जाएगा, -x-1 × 1 x-1 हो जाएगा, ये x-1 ये हुआ। तब ध्यान से देखते रहना ना, ध्यान से देखते रहना, आ गया सारणिक ए बराबर 0 भी करो, ये बराबर 0, देखो सारणिक ए ये हो गया 9 माइनस x, ये तो 0 × 0 0 हो जाएगा, -0 × this 0 हो जाएगा, अब ये क्या है प्लस, ये 0 है ना, ये प्लस 1 माइनस x और क्या है 0 माइनस इतना क्या हो जाएगा, वही होगा भाई x-a, ये हो गया इज इक्वल टू 0, ये आया ओवरऑल। अब एक लाइन और आंसर, ये देखो ध्यान से देखो क्या है, ये है 9 माइनस x, यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 0, और 0 में इतना घटाऊंगा तो ये आने वाला है, क्या आने वाला है ध्यान से बस देखते रहो, क्या आने वाला है भाई 1 माइनस x और x माइनस 1 ये बराबर 0 है, x की मान चाहिए ना हमको, देखो तो कैसे करेंगे, इक्वेट करना, 9 माइनस x बराबर 0, इतना बराबर 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9, फिर इतना बराबर 0 रखो, इतना बराबर 0 रखो क्या आ जाएगा 1 माइनस x बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, उसके बाद इतना बराबर 0 रखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ
एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई वन। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू 9 1 1, ये हो गया मेरा आंसर, ये। तो ऐसे अगर आ गया ना सारणी को हल कीजिए तो ये करना है भाई, निम्न समीकरण को हल कीजिए तो ये करना है। सारणी का मान बताओ बोलता तो अलग बात होती, तो फिर हम लोग यहीं पर रोक देते। क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैं थोड़ा सा करूंगा, उसके बाद आप लोग पूरा करेंगे, ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का। तो सबसे पहले बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, किसको जोड़ूंगा घटाऊंगा। मैं बोला जब कभी भी ऐसा बड़ा बड़ा दिखता है ना तो C1 के पास जाना। देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4, ये 2x 2x, 2x और 2x 4x, और ये x 5x प्लस 4 होगा, 5x प्लस 4, ये 2x 2x और ये x, तो 5x प्लस 4 होगा, 2x 2x और ये x, 5x प्लस 4 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे रहा हूँ। तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना क्या होने वाला है, जोड़ दो ना भाई, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, इसमें देखो 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x, बहुत बढ़िया, इसमें आएगा 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4। C1 में बस छेड़छाड़ किया तो C1 को बस छेड़ूंगा, C2 ऐसे लिख दो 2x x प्लस 4 2x, और C3 को भी ऐसे लिख दो 2x 2x x प्लस 4, ठीक है? सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसमें इसको जोड़ दो यार, इसको जोड़ दो ना, ये तो इजी है, जोड़ के डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, जोड़ के डायरेक्ट कॉमन निकाल दूँ क्या, क्या हो जाएगा देखो, 2x 2x 4x और 5x, चलो मैं लिख देता हूँ, आप अच्छे बच्चे हो, तो 5x प्लस 4, यहाँ पे भी 5x प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5x प्लस 4 आ जाएगा, एक नंबर सर। अब इसको ऐसे लिख दो ना सर, सर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2x x प्लस 4 और यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे है 2x 2x x प्लस 4 x प्लस 4 सर, एक नंबर। अब देखो कॉमन क्या है, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, तीनों में सेम है तो कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकाल लो 5x प्लस 4 5x प्लस 4, तो कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 1 1 1, ये बचेगा 2x x प्लस 4, ये 2x, और यहाँ बचेगा ये 2x 2x x प्लस 4 x प्लस। अब कुछ सारणिक लगते दिख रहे क्या, देखो ये वाला तो आ गया 5x प्लस 4 5x प्लस 4 आ गया, ये बस लाना बाकी है फिर सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें कुछ संक्रिया लग रहा है, संक्रिया, हाँ सर, R1 में मैं R1 माइनस R3 कर देता हूँ, और ना R2 में R2 माइनस R3 कर देता हूँ, तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो इस कलर से लिखता हूँ मैं मस्त, अब क्या बचेगा, ध्यान से बस देखते रहना मेरा को क्या है कॉमन, 5x प्लस 4, 1 माइनस 1 0 क्योंकि R1 माइनस R3 कर रहा हूँ, 2x माइनस 2x 0, 2x माइनस इतना क्या है 2x माइनस x प्लस 4, ये x प्लस 4, तो चिन्ह बदल जाएगा 2x माइनस x माइनस 4, तो 2x में एक x गया हो जाएगा x माइनस 4, तो ये बचेगा भाई x माइनस 4 कहाँ है, x माइनस 4, ये x माइनस 4। अब इसमें से ये घटाया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2x करूँगा तो 4 माइनस x आएगा, करके देख ले रहा आप लोग, x प्लस 4 माइनस 2x तो 4 माइनस x, 2x माइनस x प्लस 4 अभी किए थे, 2x माइनस x प्लस 4 तो क्या आया था, x माइनस 4, x माइनस 4, R1 और R2 को बस छेड़छाड़ किया तो उसी को बस छेड़छाड़ करूँगा, R3 को तो इसी लिख दूंगा 1 2x 2x x प्लस 4 x प्लस 4। अब आप लोग किसी से भी संग वो प्रसार कर सकते हो, या तो आप पंक्ति से जा सकते हो क्योंकि 2 0 मिल गया, और स्तंभ से भी जा सकते हो क्योंकि 2 0 मिल गया, तो किसी से भी जा सकते हैं हम लोग, तो आप चलो पंक्ति से जाते हैं क्योंकि हर बार पंक्ति से ही जा रहे हैं हम लोग, तो कहाँ पे करूँ मैं, यहाँ पे करूँगा, मिटाऊँगा नहीं मैं इसको, मिटाऊँगा नहीं, लेकिन आप एक के नीचे एक करते जाना, सारणिक एक, ठीक है, ये हो गया 5x प्लस 4। अब ध्यान से देखो, ये मैं 0 लिया, अब यहाँ पे जो आएगा ना वो आप लिखेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में तो 0 ही आएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर माइनस करते हैं, ये 0 लिखा,
अब जो आएगा वो लिख दो, यहां पे जो आएगा वो लिख दो। अब क्या करते हैं, प्लस ये मैं लिखा एक्स माइनस फोर, अब ये और ये नहीं लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये और ये नहीं लूंगा तो जीरो का गुणा इससे करूंगा तो ये आ जाएगा जीरो, माइनस चार माइनस एक्स गुणा एक से करूंगा तो क्या आएगा, चार माइनस एक्स ही आएगा, चार माइनस एक्स ये आया। अब इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया मेरा आंसर, देख लो ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस फोर, ये जीरो ही आएगा, ये तो जीरो आएगा ना, जीरो का गुणा इससे करूंगा जीरो, माइनस जीरो का गुणा इससे करूंगा जीरो ही आएगा। अभी देखो ये आया, ये आया, तो ये क्या है, ध्यान से देखो, हम लोग को फोर माइनस एक्स का स्क्वायर हम लोग को लाना है। तो ये देखो ये फोर माइनस एक्स तो आ गया, फोर माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे x माइनस फोर है तो इसको भी 4 माइनस एक्स हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, जैसे कि अगर यहाँ पे x माइनस फोर, मैं बोला आपको ना माइनस एक्स प्लस फोर करना है तो आप माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर। माइनस कॉमन निकालते हो तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस को अंदर डालते हो तो चिन्ह बदल जाता है। तो मैं क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन क्या है देखो, यहाँ हॉच पॉच है तो इधर करके बता रहा हूँ, यहाँ पे है एक्स माइनस फोर और जीरो में इतना जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस माइनस फोर माइनस एक्स, ये हुआ। तो यहाँ पे मेरे को फोर माइनस एक्स चाहिए, फोर माइनस एक्स, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाला इससे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर, और ये तो वही है माइनस फोर माइनस एक्स। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स, हाँ भाई लिख सकते हो ना 4 माइनस एक्स, और ये क्या है माइनस 4 माइनस एक्स। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पर स्क्वायर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सारणी ए 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये देखो यही हम लोग को लाना था, यही राइट हैंड साइड है 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझने में यहाँ कंजस्टेड हो गया तो समझने में अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो एक बार और देखो यार, समझ में आएगा। और ये कैलकुलेशन ना तो आपका काम है ना, कैलकुलेशन तो आपका काम है, बारहवीं में कैलकुलेशन तो फटाफट होना चाहिए अगर मैथ्स के विद्यार्थी हो तो, फिर भी ना इसको आप लोग देखो। तो आज से ना आप लोग को ये वाला अध्याय खत्म हो गया बच्चे, ये वाला अध्याय खत्म हो गया, अब नए अध्याय में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए इसको ना बार बार प्रैक्टिस करिए, बोर्ड में अच्छे नंबर देके जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।